बेटा, जो चीज़ें यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती हैं वो यूनिवर्स के इवेंट को गवर्न करती हैं, और इसीलिए वो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि तुम उन्हें बार बार पढ़ते हो। जैसे लीनियर मोमेंटम, जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, जैसे चार्ज कंजर्व रहता है, उसी तरह से एक और क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, जो कंजर्व रहती है और इसीलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम में एंगल भी है, यानी रोटेशन का इफेक्ट भी है और मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि अगर हम बहुत साधारण सी चीज़ देखें कि एक धीमी रफ्तार से चलता हुआ ट्रक किसी टारगेट से टकराए तो हैवी लॉस होता है, क्योंकि ट्रक में मास बहुत था। उसी तरह से अगर बुलेट बहुत हल्की है लेकिन रफ्तार से किसी टारगेट से टकराए तो बहुत लॉस होता है। क्यों? क्योंकि बुलेट हल्की तो थी पर उसमें रफ्तार बहुत थी। तो हमें क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ी जो ये बताए कि किसी ऑब्जेक्ट में जो चल रहा है मोशन कितना है, और हमने कहा कि वो क्वांटिटी मोमेंटम है जो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है। फिर क्योंकि चलती हुई चीज़ टारगेट को जब टकराती है तो अपना मोशन ट्रांसफ़र करती है, और मोशन ट्रांसफ़र करती है मतलब अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है, तो हमने उस मोमेंटम को फोर्स से कनेक्ट किया। अब ये फोर्स जब किसी चीज़ को घुमाने लगे तो हमने कहा कि अब फोर्स में घुमाने की ताकत आ गई, तो एक और क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ी, टॉर्क। क्योंकि ये फोर्स किसी चीज़ को कितना घुमाएगा ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ लग रहा है, किस एंगल पर लग रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है उससे कितनी दूर है। और हमने कहा कि ये जो टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्रॉस एफ। R क्रॉस F में R क्या था? इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस यानी पोजीशन। तो अब चलती हुई चीज़ अगर घूमने लगे तो उसमें कितना रोटेशनल मोशन है, इसके लिए हमने एक और क्वांटिटी डिफाइन की जिसको हमने कहा एंगुलर मोमेंटम। और क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का मोशन इन्वॉल्व है और साथ में रोटेशन इन्वॉल्व है, तो रोटेशन इन्वॉल्व है मतलब किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ये इन्वॉल्व है, और मोशन इन्वॉल्व है इसका मतलब मोमेंटम m इंटू वी इन्वॉल्व है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया कि l इज r क्रॉस p, जहां r वही है पोजीशन वेक्टर, यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितने, किस पॉइंट पर आप चलती हुई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका पोजीशन आर, और एम इंटू वी यानी उसका जो उसमें जो मोशन है वो, और क्योंकि इन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है कि उसमें घूमने की कितनी ताकत है, तो इसलिए हमने इसे कहा कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको डिफाइन किया आर वेक्टर प्रोडक्ट पी। तो अब इस एंगुलर मोमेंटम पर बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी घूमते हुए पार्टिकल का हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम किसी घूमती हुई रॉड का यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हो सकता है, और एंगुलर मोमेंटम एक ऐसे ऑब्जेक्ट का हो सकता है जो घूम भी रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब चल भी रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम एंगुलर मोमेंटम को केस बाय केस समझते हैं। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम सीखेंगे जो एक पॉइंट मास है, पार्टिकल है, और ऐसे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से जा रहा है जिसकी वजह से उसमें एंगुलर मोमेंटम p है,
उसका किसी पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यानी घूमने की ताकत कितनी होगी, अगर ये जानना चाहें तो हम उस पॉइंट से उस मास तक, उस मूविंग ऑब्जेक्ट तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे आर, और फिर हम कहेंगे कि एल इज आर क्रॉस पी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, आर और पी के बीच का एंगल। अब अगर इसका रोटेशनल इफेक्ट देखना है तो हमको इस आर और साइन थीटा को एक साथ लेकर ये देखना है कि आर का जो वी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ही एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे हमने टॉर्क में सीखा था। या हम वी के साथ साइन थीटा को अटैच करके कह सकते हैं कि वी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर से वो ही एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी आप एल को लिख सकते हो एम आर परपेंडिकुलर वी, या आप लिख सकते हो एम आर वी परपेंडिकुलर, यानी आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी का, वी के वो एंगुलर मोमेंटम यानी घूमने की ताकत को कंट्रीब्यूट करेगा, या वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर से वो घूमने की ताकत को कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर आप अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आ जाए तो आप वी को लिख सकते हो एम आर परपेंडिकुलर, और वी को आप लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर ओमेगा, यानी जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो और पॉइंट ऑफ रोटेशन से इस वेलोसिटी की डिस्टेंस। तो आप इसको लिख सकते हो एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो पॉइंट मास जो चल रहा है उसका किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमने डिफाइन किया आर क्रॉस पी, और उससे हमको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिला एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक। अब अगर पार्टिकल की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तब एंगुलर मोमेंटम कैसे हम डिफाइन करेंगे? हम एक रिजिड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो ये रॉड, और अब ये एन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, तो इसके डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजीशन पॉइंट ऑफ रोटेशन से आर वन आर टू इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। ये एम टू और इसकी पोजीशन आर टू, ये एम थ्री और इसकी पोजीशन आर थ्री, एंड सो ऑन एन पार्टिकल्स। अब अगर तुम एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखो एक पार्टिकल के लिए जो डिसाइड किया गया है, तो इसकी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी पर डिपेंड करती है, और हमको क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह से आता है कि हम कैसे ले सकते हैं। तो मान लो कि इसी केस को ले लो, और ये रॉड इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो जिस पॉइंट को आप, जिस पार्टिकल को कंसीडर करोगे उसकी किसी मोमेंट पर वेलोसिटी वी मान लो इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस वी कैसे लेंगे? आर क्रॉस पी मतलब आर क्रॉस एम वी, एम तो स्केलर है तो वी ही वेक्टर है, तो आर क्रॉस पी को आप लिख सकते हो आर क्रॉस वी, एम को साथ में लिखा रहने दो।
तो R क्रॉस V, अगर आप R की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रख लोगे तो V की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करने के लिए आपको अपने राइट हैंड को इस तरीके से मोड़ना होगा। तो R क्रॉस V यानी थंब की डायरेक्शन में R क्रॉस P की डायरेक्शन हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल M1 भी R क्रॉस V, इधर की ओर ही वेलोसिटी होगी। फॉर पार्टिकल M2 भी R क्रॉस V, यानी इधर की ओर वेलोसिटी है तो थंब की डायरेक्शन में सेकेंड पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम, थर्ड पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम, यानी सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि डिफरेंट पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखो तो सब के सब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ऊपर की ओर है। तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी। ये कैसे निकालेंगे, आर एम वन वी वन और आर भी आर वन एम वन वी वन, क्योंकि आर क्रॉस पी को हमने क्या लिखा था, आप लिख सकते थे मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस पी, और वो फर्दर आ रही थी एम आर परपेंडिकुलर पी, सॉरी वी। ये पार्टिकल की का एंगुलर मोमेंटम था, और अब यहाँ तो n पार्टिकल्स हैं तो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r1 m1 r1 m1 v1 प्लस r2 m2 v2 प्लस एंड सो ऑन rn mn vn। ठीक है, तो अब एक पार्टिकल है तो एम आर वी, और अगर एन पार्टिकल्स का सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है, तो हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर क्वांटिटी होते हुए भी हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिलकर उस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बनाएगा। और उसके लिए कितना है एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए आपको सिंपली इनको ऐड कर देना होगा, क्योंकि इन सब की डायरेक्शन एक ही है, तो वेक्टर होते हुए भी इनको सिंपली ऐड कर देना है, जैसे हम लोग टॉर्क में कर रहे थे। तो अब इसमें से आप R1 M1 को एक साथ लिखो और V1 को लिख दो R1 ओमेगा, क्योंकि घूमते हुए ऑब्जेक्ट की हर पार्टिकल की वेलोसिटी उसके पोजीशन के हिसाब से अलग अलग होगी, पर ओमेगा हर पार्टिकल का सेम होगा जो कि बॉडी का ओमेगा होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए R1 ओमेगा, यहाँ कोई 1, 2 नहीं, प्लस R2 M2 और V2 के लिए R2 ओमेगा प्लस एंड सो ऑन प्लस RN MN और VN की जगह RN ओमेगा। ठीक, तो अब इसमें देखो ओमेगा कॉमन हो जाएगा, तो ओमेगा तो कॉमन हो गया और ब्रैकेट में क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन MN RN स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी ओमेगा। तो अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना है तो हम उसका फॉर्मूला ये लर्न करेंगे, उस पार्टिकल का मास, उस पार्टिकल का मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल की डिस्टेंस।
लेकिन अगर किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी इनटू ओमेगा। ये डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और साथ में इस एक्सप्रेशन से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ आता है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखें क्या मिलता है। डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्सप्रेशन आई इंटू ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होगा टाइम के साथ अगर उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा, और रिजिड बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है जब तक हम उसको चेंज करें नहीं। तो हम आई को इस एक्सप्रेशन से बाहर ले सकते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर से, तो हमारे पास बचेगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। और डी ओमेगा बाई डी टी हमको पता है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो डी एल बाई डी टी कम्स टू बी आई एल्फा। लेकिन इस एक्सप्रेशन को तो हम पहचानते हैं, आई एल्फा इज टॉर्क, तो हम कहेंगे कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। और ये तो बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन आ गया जैसे लीनियर मोशन में हम कहते थे कि डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता था, बिल्कुल उसके पैरेलल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे यहाँ से लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आया था, लॉ आया था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो, देन डी एल अपॉन डी टी इज ज़ीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एग्जैक्टली एज वी से कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, देन डी पी अपॉन डी टी इज ज़ीरो, एंड देन लीनियर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो। तो ये पैरेलल रखने से चीज़ ज़्यादा फैमिलियर लगेगी कि ये कोई नया लॉ नहीं है, बल्कि इससे पहले हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके थे। अब इसका यूज़, इसका एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने डाइवर को ओलंपिक में पॉइंट स्कोर करने के लिए हवा में कई स्पिन लेते हुए तब पानी में डाइव मारते देखा है, और स्पिन लेने के लिए वो फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। डाइवर जैसे ही जंप करता है और मोमेंटम गेन करता है, वो अपनी बॉडी को एकदम समेट लेता है, और उसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अब अगर आप एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन को देखो तो वो क्या है, आई ओमेगा। और हम कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो ये जो डाइवर है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, तो जब ये अपनी बॉडी को पुल करके समेट लेता है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन
इसका कैसा हो जाता है? मास इसके पॉइंट ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास के बहुत पास आ जाता है। तो एम आर स्क्वायर, यही तो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। तो मास अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन के पास आ जाए, आर स्क्वायर में आर बहुत कम हो जाए, तो एम आर स्क्वायर और भी कम हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से अपनी बॉडी को इनसाइड पुल कर लेने से कम हो जाता है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा बढ़ जाता है। और ये डाइवर अपनी बॉडी को इनसाइड पुल करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करके एक एंगुलर वेलोसिटी गेन करता है और रोटेट करता है, एक या दो स्पिन लेने के बाद हवा में तब डाइव करता है। ठीक, तो ये जो इस्तेमाल है ये एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ओमेगा बढ़ती है, ये एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। और ये हम सब ने देखा है कि एक डाइवर पॉइंट्स स्कोर करने के लिए कितनी स्पिन्स हवा में लेगा बिफोर इट रीचेस टू वाटर, ये उसकी इस फिजिक्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद भी कर सकते हैं। पहले हम एक डाइवर को इस एक्शन को करते हुए देखते हैं और उसके बाद हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। बेटा, जैसे चलती हुई चीज़ के पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसी तरह से घूमती हुई चीज़ के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम लोग एक रिजिड घूमती हुई रिजिड बॉडी को एनालाइज करके कैलकुलेट करेंगे। हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो एक रॉड, और ये एन पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ये लॉजिक हम कई बार यूज़ कर चुके हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से अगर फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस आर वन हो और मास एम वन हो, सेकेंड पार्टिकल की डिस्टेंस आर टू हो और मास एम टू हो, एंड सो ऑन। और ये एन पार्टिकल्स की रिजिड बॉडी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी बिकॉज इट इज रोटेटिंग एंड इट हैज़ मोशन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें यह देखना पड़ता है कि जितने भी वेक्टर्स हैं, n पार्टिकल्स को इन्वॉल्व करने वाले n वेक्टर्स, उनकी डायरेक्शन एक है या नहीं। एक होती है तब हम उन्हें ऐड करते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, हाफ m वन वी वन स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि r के अकॉर्डिंग इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि ओमेगा विच इज़ V अपॉन R वो सबकी सेम है। तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम टू वी टू स्क्वायर सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, एंड सो ऑन, हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। अब हमें पता है कि V को हम लिख सकते हैं हाफ एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, nth पार्टिकल के लिए हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर, इसको हम पहचानते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
और ओमेगा सब में सेम है, हाफ सब में सेम है, इसमें से हाफ को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बचा समेशन एम आई आर आई स्क्वायर ओवर आई इक्वल टू वन टू एन, और ब्रैकेट के बाहर ओमेगा, उसे भी कॉमन ले लिया। तो एम आई आर आई स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये डेरिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले क्लास में, और पुली मास सिस्टम के न्यूमेरिकल्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कैसे अलग हो जाते हैं ये पढ़ेंगे समझेंगे।